हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे हैं और यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लेते हैं। हमें इसे प्रूव करना है किसके इक्वल में, 2 इंटू में ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, हमें इसके इक्वल में इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रूव करना है। तो इसका हम लोग LHS लेंगे। LHS में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दिया, फर्स्ट रॉ में एलिमेंट है ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी। सेकेंड रॉ में एलिमेंट है यहाँ पर माइनस का सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस का है। थर्ड रॉ में आपका एलिमेंट है माइनस बी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, सी वन के प्लेस पर सी वन प्लस सी टू कर देते हैं। ऐसा ऐड करने से यहाँ ए प्लस बी यहाँ भी ए प्लस बी हमें मिलने लगेगा। ठीक है, और एक और काम करते हैं, C2 के प्लेस पर C2 प्लस C3 भी कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 के एलिमेंट का ऐड करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और ये दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी आएगा, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए C2 के प्लेस पर C2 प्लस C3, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बी प्लस सी, और यहाँ माइनस का बी माइनस का ए ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको कॉमन कर लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट ए प्लस बी फ्रॉम सी वन एंड बी प्लस सी फ्रॉम सी टू। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ए प्लस बी निकालते हैं और बी प्लस सी निकालते हैं, वन वन माइनस वन माइनस वन 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 माइनस का बी माइनस का ए ए प्लस बी प्लस सी, यही ना। चलिए अब इसमें अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर आर वन के प्लेस पर आर वन प्लस आर टू कर देते हैं। ठीक है, और कोई काम नहीं करते, एक करो ना, काफी है इतना। ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी, यहां पर देखिए क्या होगा, टू जीरो, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे ए प्लस बी। ठीक है, यहां भी कर सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं मुझे दिख रहा है, इतना ही छोड़ देते हैं। वन वन माइनस ए माइनस वन वन ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड कर देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग आर वन या सी टू कर सकते हैं, आर वन ही लेके चलो ना, ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, टू को लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो, वन माइनस ए वन ए प्लस बी प्लस सी, ये तो जीरो है, इसको छोड़ देंगे। अगला लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस में यहाँ दिया हुआ, लेकिन प्लस में होता है वहाँ माइनस देते हुए, तो माइनस ऐसे ही रहेगा ए प्लस बी। चलिए ध्यान से देखिए, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो, वन वन माइनस वन वन। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ क्या आता है, तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए अंदर टू, अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर माइनस का ए, तो माइनस और बीच में माइनस तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस वन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ, तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे है आपका ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी। अच्छा देखो ना, यहाँ पर ये आपका वन वन टू हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा, और यहाँ भी टू है, तो टू डायरेक्ट कॉमन नहीं कर लें, अंदर देखो ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस का ए माइनस का बी। ठीक है, तो यहाँ देखो ए से ए आप काट दो, बी से बी आप काट दो, तो सी प्लस ए नहीं बच जाएगा, तो हो जाएगा टू इंटू में ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए। यही ना, मैं RHS में लाना था, हमने ला के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए, चलिए क्वेश्चन